सुप्रभात बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने वाक्य के विषय में जो अध्ययन किया था कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने खंड होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था वाक्य के दो खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय को परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग वाक्य के कितने भेद होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। व्याकरण के अनुसार वाक्य के भेदों को दो आधारों पर बांटा गया है। ऐसा हम सीधा सीधा नहीं कर सकते हैं कि वाक्य के दो भेद होते हैं। ठीक जिस प्रकार से हम लोगों ने शब्द के भेदों को पढ़ा था कि शब्द के भेदों को चार आधारों पर बांटा गया है, उसी प्रकार से वाक्य के भेदों को भी दो आधारों पर बांटा गया है, और जिसमें से पहला आधार है रचना के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेदों को दो आधारों पर बांटा गया है, नंबर एक रचना के आधार पर और नंबर दो अर्थ के आधार पर, यानी रचना के आधार पर वाक्य के भेद और नंबर दो में है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, नंबर एक सरल वाक्य, नंबर दो संयुक्त वाक्य और नंबर तीन मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य के विषय में सामान्यतः हम समझ सकते हैं ऐसा वाक्य जो बिल्कुल ही पूर्ण और बिल्कुल ही साधारण होगा, जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होगा। दूसरा जो है वह है संयुक्त वाक्य, और संयुक्त निश्चित रूप से संयुक्त का अर्थ होता है ऐसे वाक्य जो जोड़ा गया हो, यानी जोर से बना गया जो वाक्य होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसी प्रकार से तीसरा वाक्य जो है वह है मिश्रित वाक्य, और मिश्रित वाक्य का अर्थ होता है मिला जुला वाक्य, है ना। तो अब हम लोग तीनों जो प्रकार का जो वाक्य है उसको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहला भेद है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, जैसे गीता पढ़ती है, माँ ने खाना बनाया, राजू सूरज और राजू घर गए। सरल वाक्य के विषय में कहा जाता है कि ऐसे वाक्य जिसमें केवल एक ही विधेय होता है उसे ही सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए गीता पढ़ती है, इस वाक्य में विधेय पढ़ती है जो कि एक ही है, माँ ने खाना बनाया तो इसमें भी एक ही विधेय है खाना बनाया। तीसरा उदाहरण है सूरज और राजू घर गए तो इसमें भी विधेय की संख्या एक ही है, वह है घर गए। तो इस प्रकार से ये सरल वाक्य कहलाता है। अब हम लोग दूसरा इसका भेद है संयुक्त वाक्य उसको देखेंगे। इसका दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये है संयुक्त वाक्य की परिभाषा, जिसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य एक साथ समुच्चय बोधक अव्यय, यानी जिसे हम लोग योजक शब्द कहते हैं, उन शब्दों के द्वारा
जोड़ा जाए, यानी उन शब्दों के द्वारा जोड़ करके जो है सरल वाक्यों को एक संयुक्त वाक्य में जो है परिवर्तित किया जाए, बनाया जाए, उसे ही संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे नानी घर आई और कहानी सुनाई। दूसरा है, रमेश विद्यालय गया पर शीघ्र ही लौट आया। अब पहला जो उदाहरण है उसको देखें। इस उदाहरण में देखते हैं कि यह वाक्य दो खंडों में बटा हुआ है। पहला खंड है नानी घर आई, दूसरा खंड है कहानी सुनाई। ये दोनों ही जो है वह पूर्ण वाक्य है, जो कि दोनों सरल वाक्य है, और इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने वाला जो अव्यय है, जो शब्द है, वह है और, जो समुच्चय बोधक शब्द है। और इस प्रकार से ये जो शब्द है इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य का निर्माण किया। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, रमेश विद्यालय गया पर शीघ्र ही लौट आया। अब इस वाक्य में भी देखें तो दो खंड है, यानी दो वाक्य है, रमेश विद्यालय गया, एक है शीघ्र ही लौट आया, यह भी है ना, शीघ्र ही लौट आया। तो कौन लौट आया, इसमें जो कर्ता जो है वह ये छिपा हुआ है ना, तो वह चूंकि रमेश ही है ना, क्योंकि विद्यालय रमेश ही गया था, तो वही शीघ्र लौट करके आया। इस वाक्य में जोड़ने वाला जो शब्द है वह है पर, यानी परंतु जिसे हम कह सकते हैं, है ना। तो इन दोनों सरल वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला शब्द है पर, और इस प्रकार से पर के द्वारा जुड़ने के बाद जो नया वाक्य बना वह संयुक्त वाक्य कहलाया, जो इस रूप में है, रमेश विद्यालय गया पर शीघ्र ही लौट आया। यानी हम कह सकते हैं, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सरल वाक्य, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सरल वाक्य में केवल एक ही विधेय होता है और इसमें दो विधेय है। आप देखिए तो पहला में है आई और सुनाई, ये दो विधेय है ना। ये इसमें देखें तो विद्यालय गया है ना, इसमें पहला में है घर आई, एक विधेय, कहानी सुनाई, ये विधेय है ना, दो विधेय। दूसरा वाक्य में विद्यालय गया, पहला जो है विधेय है, और लौट आया वह भी जो है सो दूसरा विधेय है। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक सरल वाक्य को आपस में है ना समुच्चय बोधक वाक्य के द्वारा जोड़ने पर संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। अब हम लोग इसका तीसरा भेद पढ़ेंगे, मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर जो वाक्य का तीसरा भेद जो है वह है मिश्रित वाक्य, और इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो जिन्हें योजक के द्वारा जोड़ा जाए, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे सोहन ने पूछा कि उसने काम क्यों नहीं किया, सुनील ने बताया कि उसे नौकरी मिल गई। अब इसको समझने का प्रयास करें। ऐसा वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य, सबसे पहले तो हमें उपवाक्य समझना पड़ेगा कि उपवाक्य क्या है। उपवाक्य वाक्य के ऐसे खंड को कहते हैं जो कि पूर्णतः वाक्य हो भी सकता है और पूर्णतः वाक्य नहीं भी हो सकता है, वाक्य का एक खंड हो सकता है। तो ऐसे खंड जो एक मुख्य उपवाक्य के रूप में होता है और दूसरा जो हिस्सा जो होता है वह उसके आश्रित उपवाक्य के रूप में होता है। आश्रित उपवाक्य का मतलब यह होता है कि यदि आश्रित उपवाक्य जो है उसका काम यदि नहीं होगा, उद्देश्य पूरा नहीं होगा, तो मुख्य उपवाक्य का जो उद्देश्य है वह भी पूरा नहीं होगा। इसका मतलब है कि वह वाक्य जो है अधूरा वाक्य की तरह दिखाई देगा। ऐसे वाक्य को ही मिश्रित वाक्य कहा गया है। उदाहरण के लिए समझेंगे, और ऐसे वाक्य में योजक शब्द के द्वारा जो है उपवाक्य
उन उपवाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है क्योंकि वे एक दूसरे पर आश्रित होता है। उदाहरण के लिए सोहन ने पूछा कि उसने काम क्यों नहीं किया। सोहन ने पूछा एक खंड है, दूसरा खंड है उसने काम क्यों नहीं किया। अब इसमें यदि हम यहां पर देखें कि सोहन ने पूछा कि जब भी कहा जाएगा एक भाग बोला जाएगा कि सोहन ने पूछा कि, तो निश्चित रूप से अगला प्रश्न यह होता है कि इसके आगे क्या होगा। जब तक इसके आगे का खंड यदि नहीं बताया जाएगा तो वह वाक्य पूरा नहीं होगा, इसीलिए उसे वाक्य को पूरा करने के लिए अगला खंड बताना ही होता है जो इस पर आश्रित होता है। उसने काम क्यों नहीं किया, यानी सोहन ने पूछा तो प्रश्न की क्या पूछा, तो जवाब मिल गया कि उसने काम क्यों नहीं किया। और यदि ये खंड जो है आश्रित जो है इस खंड को यदि मान लेते हैं कि यदि नहीं लिखा जाए तो ये बिल्कुल ही अधूरा रह जाएगा और एक प्रश्न ही बना रहेगा कि सोहन ने पूछा तो क्या पूछा। उसी प्रकार से है सुनील ने बताया कि, अब यदि यह कहा जाए कि सुनील ने बताया कि, जिसके सामने में भी यह एक खंड रखा जाए कि सुनील ने बताया, तो जो सामने में जो जो भी श्रोता है उसके मन में प्रश्न जरूर उठता है कि सुनील ने क्या बताया, क्योंकि जब तक यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक जो है सो वाक्य पूरा नहीं होगा। तो इसका दूसरा खंड जो है जो उपवाक्य के रूप में जो है वह है उसे नौकरी मिल गई। अब इस खंड के जुड़ने के बाद यह वाक्य पूरा हो जाता है कि सुनील ने यही बताया था कि उसे नौकरी मिल गई। अब इस प्रकार से ये दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द है वह है कि, ये योजक शब्द के रूप में आया है। तो इस प्रकार से ये दो वाक्य जो है जिसमें एक ये जो है सो आश्रित है ना, कि जब तक ये नहीं पता चलेगा तो इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो आज हम लोग इस प्रकार से वाक्य के अंतर्गत हम लोगों ने देखा जो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो तीनों जो भेद है इनको हम लोगों ने पढ़ा। आप इसका अध्ययन घर पर करें और अगली कक्षा यानी अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।